नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी इतिहास बताएंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस आंत की बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में लंबे समय तक सूजन और जलन होती है। इस सूजन और जलन की वजह से बड़ी आंत के मलाशय में छाले हो जाते हैं जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे पेट में दर्द, भूख न लगना, खाने का ठीक प्रकार से न पचना और बार बार दस्त का लगना, बलगम के साथ खूनी दस्त का लगना और बुखार आना, जोड़ों में दर्द जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग का होना, स्ट्रेच का होना इस समस्या का मुख्य कारण होता है। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो एक्टाबीमा नामक कीटाणु के संक्रमण के कारण होती है। इसमें व्यक्ति को आंव के साथ पतला दस्त भी होता है। दोस्तों इस समस्या के कारण व्यक्ति के पेट में दर्द और शौच करते वक्त भी उसे दिक्कतें होती हैं, यानी कि फ्रेश होने में भी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने खान पान को सही करें और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना योग। आप ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप जितनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह के समय या शाम के समय जरूर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप ऐसे ही वज्रासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लें तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मुंडकासना। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही मुंडकासना की पोजीशन पर रहे हैं। दोस्तों यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को बार बार लूज मोशन की समस्या होती है वह समस्या दूर होती है। पेट में दर्द, पेट में ऐठन, मरोड़ की समस्या को दूर करने के लिए यह मुंडकासना रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करें और फिर ऐसे धीरे धीरे सीधे ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पिछोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 10 सेकंड होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही से आप 5 से 6 बार करें और फिर इसके बाद हम करेंगे थियक भुजंग आसन। अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और फिर ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर के हील को ऐसे देखते हैं, अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे
सेंटर में आइए और फिर ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मुड़ जाइए और राइट पैर के हील को देखिए। जो अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे विपरीत करणी आसना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों, या फिर आप इस अभ्यास को ऐसे बॉल के सहारे अपने हिप्स को ऐसे बॉल पर सटा लीजिए और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ कर लें या फिर अपने दोनों हाथों बाजों को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने दोनों बाजों को ऐसे अपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर रुके हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अप डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी में हम करेंगे विपरीत करणी आसना। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस विपरीत करणी आसना की पोजिशन पर रहते हैं। दोस्तों इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम को भी कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।